बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। आज मेरी ये कंगाल होने जा रहे हैं। अस्सलाम जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज हम जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने और हमारा मूड है कि हम लियाकत भाई लोग आए हुए हैं तो सबकी इफ्तारी करवा दें। हाँ जी, क्योंकि फिर उनका ये दूसरे जुम्मे को चक्कर लगा है। 15 रोजे तो गुजर गए माशाल्लाह से, आधा रमजान, तो बाकी दिन ही कितने रह गए पता ही नहीं चल रहा रोजे किस तरह गुजर रहे हैं। तो माशाल्लाह से हमारे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, रोजे कैसे जा रहे हैं और माशाल्लाह से सबके अच्छे जा रहे हो, तंदुरुस्ती के साथ जा रहे हो। तो चलते हैं सामान खरीदते हैं कुछ है और इफ्तारी वगैरह का कुछ सामान होगा हमारा। हाँ जी, आपने लिस्ट वगैरह बना ली है? हाँ जी बना ली है, दिमाग में बनाइए जो रह गई जो याद। ये फिर यही होता है जब हम वहाँ से सामान लेके वापस आते हैं। ओ ये रह गया, तो ये रह गया, वो रह गया। हाँ। लंबी सारी ओ ए क्या करो आप। हाँ, नहीं वो कैसे करता है समझ गए होंगे सियान ने। तो चलते हैं सामान लेते हैं। इसके जो मकीन है ना वो खुद इसको वो पॉइंट बना सकते हैं, है ना। पैसे मैंने ले लिए, अभी तो पेट्रोल भी डलवाना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो डलवा लेते हैं फिर इंशाल्लाह सामान लेते हैं। तो अब हमने पेट्रोल डलवाना है। मैंने नहीं डलवाना, गाड़ी में डलवाना है। हाँ मतलब आप की गाड़ी में, मेरी गाड़ी में चलें। हाँ आज से गाड़ी भी आपकी हो गई। हाँ जी। तो पेट्रोल हम डलवा रहे हैं और मीटर देखेंगे 3,900, 4,000 का। अच्छा तो मैंने यहाँ पे पहले लिए चने का पैकेट, हल्दी का पैकेट,
और उसके अलावा ये और वो आप समोसा पट्टी वगैरह कह रही थी। अच्छा जी हम शॉपिंग कर लेते हैं, वो आप लोगों को शॉपिंग घर जाके दिखाएंगे और तैयारी भी करनी है तो जल्दी जल्दी करते हैं जी। तो सौदा सारा ले लिया हमने और ये हमारा सौदा बना, अभी शॉपर में पैक हो रहा है। हाँ फीडर शहरी का जब तक वो 5-6 साल का नहीं हो जाता उसका फीडर नहीं छुड़वाना हम, क्योंकि वो दूध पीता नहीं वैसे फीडर के अलावा। वो बड़े में भी दूध पीता है। बिल बन गया हमारे सौदे का, हम चलते हैं वापस। भजन पैसे 5,000, 60 रुपये नहीं लेना, 60 रुपये की मेरी रियायत भी हुई है। ये भाई ओ जी, तो हमने सामान ले लिया। तो ना गाड़ी बड़ी गर्म है, ठंडा करो उसको ना, खुद ही बैठ के ठंडी करनी पड़ेगी, और तो कोई नहीं आएगा। हवा भी गर्म है अभी तो। ये ले लिए, चलो जी माशाल्लाह से हमें सारा सामान मिल गया। हाँ तो असि सड़ भी गए हैं। आगे 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 ठंडी हवा आगे, चलो चलो आती रहेगी ठंडी हवा, जल्दी करो अब जरूरत पड़ गई है ठंडी हवा की सरकार को। आग लग जाती गाड़ी को, आग गाड़ी को नहीं लगती, जो बैठता है उसको लगती, उसको लगती है। ये सुरेश की यूनिफॉर्म लेने जा रही हूँ गुस्से में। मैंने कहा यहाँ से नहीं मिलती, ये कहती यहाँ से मिल जाएगी, जा लेके आ। मतलब भोरापन नहीं निकालता ना, नहीं मिली ना, नहीं मुझे पता था, मुझे पता था। अच्छा बैठ, लड़ना नहीं है, बैठ यहाँ पर। लेकिन छोटी थी मतलब निकले, मुझे पता था ना यहाँ नहीं होती, बस थोड़ी बहुत कोई चीज रखे तो रखे, नहीं होती। चलो वो अलमक्का से मिलेगी, अलमक्का से मिलेगी, बस इतना टाइम था, इतनी देर में हम पहुँचना क्या होते। ये होती है खबर नाम मानने वाली, चल बैठ आप मेरे अंदर रहो अब, ज्यादा ना वो पर पुर्जे निकालो, मुझे पर काटने भी आते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यहाँ से हमने पहले बुक्स भी ली थी तो हाँ आई ना मेरी, मैंने कहा था यहीं से आके मिलेगा आपको, वहाँ टाइम जाया कि आपने ऐसे ना गुजारा गुजारा होती है, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं होती लेकिन फिर भी ना वो अच्छी थी। तो बच्चे हम छोड़ के आए थे, उन्होंने एक दूसरे की तबाही बोल दी होगी घर में। हम आज ना उनको जबरदस्त शहरी तो नहीं आ रहा था, शहरी को कहो ना बाहर बहुत गर्मी है तो बोला कहता है अच्छा अच्छा, और सुरेश रो रहा था वो बड़ा लाडले, तो वो ना जिद करता है। अब हम गाड़ी भगा के जा रहे हैं, ऐवे कोई चुप चुप पै जाएगी। मैंने जोर लगाना है तो बोतल भी लुढ़की जा रही है उसे। इसको घर रखना, चलो उठा लो सामान जी। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने कस्टर्ड तैयार किया है और उसको मैंने इस तरह करके ना तैयार कर लिया। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था मैंने, इसके अंदर मैं ये वाले बिस्किट चॉको चिप वाले बिस्किट डाल देती हूँ बॉटम में। ज
जी तो माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, इसको ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं और नेक्स्ट रेसिपी की जानी पाते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ चिकन रोल के लिए, ये तैयार कर रही हूँ चिकन और स्पेगेटी बॉईल कर रही हूँ। स्पेगेटी? हाँ, ये स्पेगेटी क्या होता है? स्पेगेटी। हाँ, हाय इतना मुश्किल लफ्ज़ और खाना कितना आसान होगा। हाँ, वो एकदम खत्म हो जाएगा। और बाकी ये है कि भाई अम्मा जी आई थी, वो कह रही थी कि सालन वगैरह रहने दो भी अफतारी में, उसके बाद भूख तो लगती नहीं है, समोसे वगैरह ठीक है बस काफी। वाह वाह, आसानियाँ आसानियाँ, एक सास सोचती है हमेशा बहू का। हाँ। बहू भी कभी सोच ले सास का। हाँ, बस यही तो कसूर है बहू का। सोचती नहीं है। हाँ। देखो जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो ही सोचते हैं अपने खून के रिश्तों के बारे में। हाँ, ये तो है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एनाकोंडा। और कौन सा? कर दो एनाकोंडा राइस कर दिए, बस आपको नाम नहीं आता, आप रहने दो। बता नाम। चाइनीज राइस कह दो। चाइनीज राइस बना रहा हूँ। ये अब डालते हैं इसके अंदर मटर। बॉइल्ड है ये भी, कुछ बॉइल्ड किए हुए हैं। ये चावल डालते हैं, अब इनको मिक्स कर दूँ? हाँ। तो हाथ से हिल ही जान दिए तो कपड़े से पकड़ से। हमेशा काम खराब करने आ जाते हैं। मेरी शान मसद के जावा। ये चम्मच यूज करते हैं ऐसे बर्तनों में। तो और कुछ उठा ले, मैं ये कर रहा था। तो क्यों उठाया आपने मेरा चम्मच, ये बताओ पहले मुझे। मैं दे दूं। गाजरी उपजी ना, फिर इसकी शक्ल अच्छी बननी थी। तो राइस भी डाल के रखते हैं, अब बुला के लाओ जाओ सबको। मैं बुला लाता हूं। तो दही भले हैं, ये भी रखते हैं। बुलाए? हाँ आ रहे हैं, आ रहे। तो अब आगे ले जाना करके अभी वो राइस रह गए हैं। और हमारा बंदा भी आ गया। वेलकम भाई। तो ये लास्ट आइटम है अफ्तारी का, तो ये भी रखते हैं। ये जो खूबसूरत आइटम है, बस देखने का खूबसूरत है, खाने का भी है। अब ये खाएंगे तो पता लगेगा ना। वाह वाह, ये अंडा रखा हुआ है। ये बिस्किट है। अंडा दिखा के ऊपर रखा। सारे लोग आ चुके हैं, खानदान पूरा आ चुका बल्कि। तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता है 10 मिनट इफ्तारी का, तो वो पूरा होता है तो फिर इंशाल्लाह इफ्तारी शुरू। तो इफ्तारी हम सब लोग इफ्तारी करते हैं, बस खाने आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नज़र सारे क्या किया हमारी इफ्तारी में। कोई शक ना रह जाए। आप पहले इफ्तारी करते हैं फिर आपका कुछ ना मुलाकात होगी। नहीं डालना, डाल लो। सही है सही है। हो गया खा खा के। हाँ जी, तो ये बाकी नौ ना चलो खोल बस। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक अफतारी हो गई है। और रोटी सालन इसलिए नहीं बनाया था कि अम्मा जी ने कहा था कि उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी जब इतना कुछ होगा, तो उसके बदले में मैंने वो चाइनीज़ राइस बना दिए। तो तसव्वुर के एनाकोंडा राइस, तो माशाल्लाह से वो भी अच्छे लगे हैं सबको, सबने खा लिए हैं। हल्के से थे, लाइट से थे चिकन के साथ। तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज की अफतारी यहीं पे कंप्लीट हुई। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, गपशप हुई। माशाल्लाह से सदाकत हमारा काफ़ी हंसमुख बच्चा है, बच्चा
माशाल्लाह से जवान है, हंसमुख जवान है, तो बस वो ना बड़े फन मजा आता है मिल बैठने में। तो यही इजाजत लेते हैं आप लोगों से, अपनी दुआ में याद रखिए, बताइएगा हमारी ये अफ्तार मेन्यू आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।